अब राजधानी दिल्ली के घर के बाहर सड़कों पर कार पार्किंग भी आपकी जेब खाली करने का काम करेगी। जी हां, अब आपको इसके लिए भी स्थानीय निकाय को पार्किंग शुल्क देना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से तैयार मसौदा नीति 2017 में ये सख्त प्रावधान किया गया है। उपराज्यपाल अमित बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीति के मसौदे पर चर्चा की गई, जिस पर दिल्ली सरकार सहित अन्य एजेंसियों ने सहमति जताई है। नीति के मुताबिक आम नागरिक के लिए नई पार्किंग दरें क्या होंगी, इसका निर्धारण दिल्ली सरकार की समिति करेगी। यह समिति परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक करेगी। इससे कॉलोनियों में पार्किंग की वजह से होने वाले जाम से दिल्ली को बचाया जा सकेगा। साथ ही वाहन चालक खाली पार्किंग स्थलों का प्रयोग कर सकेंगे। मसौदे के मुताबिक स्थानीय निकाय का नीति में बदलाव करने का अधिकार केवल पार्किंग दरों में बढ़ोतरी तक सीमित होगा। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक निगरानी टीम भी तैनात की जाएगी। नई पार्किंग नीति के तहत किए गए प्रावधान सिनेमा, अस्पताल, मॉल्स, एयरपोर्ट और अन्य पार्किंग के लिए भी लागू होंगे। नई पार्किंग नीति के अधिसूचना के बाद MCD के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।